वाह बेटा पप्पू, इस बार तो ऑडिशन बड़ा तोड़ू दिया है तूने, और हर बार की तरह डायरेक्टर ने तुझे गाली भी नहीं दी। इस बार तो मेरा सपना पूरा हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं पता नहीं यार, इस बार अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। ओए पप्पू, मर जानिया खसमानु खानिया, तेरी हड्डियां और तेरा सपना यहीं के यहीं तोड़ देना है मैंने। और क्यों मम्मी जी? क्यों पूछते हैं मुझसे? कहां गया था तू? मैं अपने काम से बता नहीं सकता। बता नहीं सकता? ओए बताएगा तो तेरा बाप भी। पर बाबूजी क्यों करेंगे मम्मी जी? बाबूजी तो स्वर्ग में है ना, वो तो वहां आराम से अप्सराएं ताड़ रहे होंगे। क्या कह रहे? खबरदार, अगर आपने वहां किसी अप्सरा के साथ चक्कर चलाया तो। क्या हुआ भाभी? तेरी किस्मत फूट गई है। जिसके ऐसे भाई भाभी उसकी तो किस्मत फूटनी है। क्या बोला? कुछ नहीं पप्पू। हाँ? तू इस मेघना से शादी के लिए मना कर दे। पर क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। पप्पू, ओए पप्पू! आया हसमान खोनिया। हाँ मम्मी जी। पप्पू, हाँ? तू जो भी कर रहा है ना उसे छोड़ दे। ओ नो, कहीं ने मेरे ऑडिशन का पता तो नहीं चल गया? नहीं मम्मी जी, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये सपना ही तो मेरी जिंदगी है मम्मी जी। इसका मतलब उस जाने मन जाने जहां लड़की का नाम सपना है। ओए, तेरे सपने को तो मैंने तोड़ देना अगर तूने उसे नहीं छोड़ा तो। नहीं मम्मी जी नहीं, मैं उस सपने को किसी के लिए नहीं छोड़ सकता। और मर जानिया, मैंने मेघना से तेरी शादी तय कर दी है। तो क्या हो गया मम्मी जी, मेघना और मेरा सपना साथ साथ नहीं रह सकते क्या? मम्मी जी जहर दे दो, कोई भी सुजड़े चवन में कली नहीं खिलने तेरा चाहता। ओए होने वाले दमाद जी, ये देखो मैं आपके लिए वो लेकर आई हूँ जो आपको चाहिए था। इतनी जल्दी जहर ले आई आप? ओए नहीं, ओए जहर नहीं, मैं तो मेघना की फोटो लेकर आई हूँ, और मैं यही तो लेने गई थी स्टूडियो। रब दी सौर, जल्दी देखो और मुझे बताओ कैसी लगी। हेलो सर, बोलिए। क्या? हे बाबा जी, ये मेघना की फोटो देखते ही मुझे रोल मिल गया। इसका मतलब ये मेरी लकी चार्म है, और इतनी खूबसूरत भी। पुत्र, दस ना, कैसी लगी? भाभी, मैं तो मम्मी जी की बात मानूंगा और इसी लड़की से शादी करूंगा। Nadania, Nadania, Ufuya Nadania.